हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक और नए सेशन के अंदर। तो बच्चों, चैप्टर नंबर 4 चल रहा हमारा, एंटरप्रेन्योरशिप एज इनोवेशन एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। और आज इस चैप्टर की लास्ट क्लास, यस आज इस चैप्टर को हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो बिना टाइम को वेस्ट करें स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। और आज को जो हमको टॉपिक से स्टार्ट करना है वो कौन सा है, वो है बैरियर्स, रुकावट एंटरप्रेन्योरशिप के लिए। कौन कौन सी ऐसी रुकावट है जो आपको परेशान कर रही है, आपको रोक रही है एक बेहतरीन एंटरप्रेन्योर बनने से। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं बैरियर्स टू एंटरप्रेन्योरशिप। तो बहुत सारे फैक्टर्स दे रखे हैं, कुछ है हमारे एनवायरमेंटल फैक्टर्स, कुछ है हमारे पर्सनल बैरियर्स, ठीक है। कुछ है एनवायरमेंटल बैरियर्स, कुछ हमारे पर्सनल बैरियर्स। कौन कौन से हैं? इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल, पॉलिटिकल, ठीक है। और यहाँ पे क्या दे रखा है? मोटिवेशनल एंड परसेप्चुअल, ठीक है। एक एक करके रीड करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एनवायरमेंटल फैक्टर्स के, जिसके अंदर सबसे पहला आता है हमारा इकोनॉमिक बैरियर। यहाँ पे इकोनॉमिक बैरियर का मतलब होता है पैसों से रिलेटेड चीजें, जैसे क्या? पहला लैंड, लेबर, कैपिटल, मटेरियल, मार्केट। क्योंकि जब तक ये सारी चीजें नहीं होंगी आपका एक बिजनेस नहीं बन पाएगा, और आप जो एंटरप्रेन्योरशिप करना चाहते हो वो इतना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। ये चीज समझ में आ रही है? तो ये चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर इनमें से आपके पास कुछ नहीं है या कोई चीज की कमी है तो आपको बहुत ज्यादा दिक्कत हो सकती है, आपकी क्वालिटी पर या फिर क्वांटिटी पर कॉम्प्रोमाइज हो सकता है, कहीं ना कहीं आपको कम रहना ही पड़ेगा। तो इकोनॉमिक फैक्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एग्जाम्पल क्या दे रखा है? अगर आपके पास कैश नहीं है तो आप अच्छा सा बिजनेस नहीं कर पाओगे। क्लियर? कोई डाउट इसके अंदर? तो पहला फैक्टर क्या हो गया? इकोनॉमिक फैक्टर। इकोनॉमिक फैक्टर के लिए उन्होंने कुछ आपको पॉइंट्स दे रखे हैं, जैसे लैंड, लेबर, कैपिटल, मार्केट, मटेरियल। ये इक्वली रिस्पॉन्सिबल है एंटरप्रेन्योरशिप के डेवलपमेंट के लिए। तो ये सारे फैक्टर्स आपके पास अवेलेबल होने चाहिए, तभी ये एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करते हैं। और अगर ये फैक्टर्स आपके पास अवेलेबल नहीं है या कम क्वांटिटी में है तो ये बैरियर बन जाते हैं। लॉजिक क्लियर? ओके। दूसरा आता है आपका सोशल बैरियर। सोशल बैरियर का मतलब होता है सोसाइटी से रिलेटेड बैरियर्स। वो क्या क्या हो सकते हैं? कास्ट का स्ट्रक्चर, ठीक है। दूसरा मोबिलिटी ऑफ लेबर। मोबिलिटी ऑफ लेबर का मतलब होता है मूवमेंट ऑफ लेबर, कितनी इजिली वो आ जा सकती हैं। कस्टमर की नीड्स क्या है, आपका कल्चर हेरिटेज क्या है, आप किस कल्चर से बिलोंग करते हो, उसमें कस्टमर का टेस्ट एंड प्रेफरेंस क्या है, सीनियर सिटीजन की रिस्पेक्ट, आपकी वैल्यूज, ये सारी चीजें सोसाइटी रिलेटेड जितने भी सारी चीजें हैं ये आपके बिजनेस को इम्पैक्ट कर सकती हैं, ठीक है। लोगों का अगर एटीट्यूड कपड़ों के प्रति, खाने के प्रति चेंज हो जाता है तो आपका बिजनेस स्टाइल भी बदल जाता है। लोग अगर खाना फास्ट फूड प्रेफर करते हैं तो यू हैव टू सेल फास्ट फूड। अगर लोग वेस्टर्न क्लोथ ज्यादा पहनते हैं तो यू हैव टू सेल वेस्टर्न क्लोथ, ठीक है। अगर आप ट्रेडिशनल बेचोगे तो आपकी दुकान नहीं चलेगी। समझ में आ रहा है क्या लिखा हुआ है? लोगों का जो टेस्ट है वो बदलता जा रहा है, ठीक है। खासकर बच्चों का, खासकर विमेन का टेस्ट बदलता जा रहा है। क्यों बदलता जा रहा है? क्योंकि अब वो और भी ज्यादा एजुकेट हो रही है, टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा अपग्रेड हो गया, तो उनको पता है कि मार्केट में क्या चल रहा है। तो इस हिसाब से, आई रिपीट, इस हिसाब से आपको और भी बेहतरीन प्रोडक्ट बनाकर देने पड़ेंगे, बहुत ही अच्छे कपड़े बनाकर देने पड़ेंगे, बहुत ही अच्छा खाना बनाकर देना पड़ेगा, और आप कस्टमर को लूट नहीं पाओगे। समझ में आ रही चीज? ओके। थर्ड जो बच्चों हमारे पास बैरियर आता है वो है कल्चरल बैरियर। कल्चर बैरियर का मतलब आप किस कल्चर से बिलोंग करते हो, आपका आसपास का एनवायरमेंट किस कल्चर का डिपेंड करता है, ठीक है ना। कल्चरल वैल्यू, बिलीफ, नॉर्म। जैसे हिंदू हैं तो हिंदू का अपना अलग कल्चर होता है, पंजाबी होते हैं, सिख होते हैं, उनका अपना कल्चर अलग होता है, क्रिश्चियन का अपना अलग होता है, मुस्लिम का अपना अलग होता है, बौद्ध का अपना अलग होता है। तो हर एक अपना कल्चर होता है, हर एक अपने कुछ वैल्यूज होती हैं, और उस हिसाब से वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हैं और अपनी एंटरप्रेन्योरशिप को करते हैं। तो अगर आपका जो कल्चर, आपका जो कल्चर है सोसाइटी का, वो क्रिएटिविटी बेस्ड है, वो हर चीज को नए एंगल से सोचते हैं, वो रिस्क लेने पर आपको प्रमोट करते हैं कि आप रिस्क लो, आगे बढ़ो, एडवेंचर स्पिरिट करते हो, तो आपके यहाँ उसको करा जाएगा। जैसे होते हैं ना, बनियों में बिजनेस ज्यादा होता है, पंडितों में आपका क्या कहते हैं, गवर्नमेंट जॉब ज्यादा होती है, होता है कि नहीं होता, ट्रेडिशन है, तो वहां पर आपको उसी तरीके से प्रमोट किया जाता है।
जैसे अगर आप बनिया फैमिली बिलोंग करते हो तो वहां पर आपको बिजनेस के लिए प्रमोट किया जाएगा, अगर आप जनरल कैटेगरी में हो, पंडित कैटेगरी में आते हो, तो आपको वहां पर गवर्नमेंट जॉब की प्रति ज्यादा एनकरेज किया जाता है। तो ये आपका कल्चर, आपका जो एनवायरमेंट है वो बिलोंग करता है। क्लियर हो गया? ओके, तीसरा जो हमारा नेक्स्ट आपको दिखा रहा है बच्चों, वो है पॉलिटिकल। पॉलिटिकल का मतलब होता है जो भी गवर्नमेंट आपको रूल्स एंड रेगुलेशन इश्यू कर रही है, गवर्नमेंट की जो भी पॉलिसीज है, ये आपके लिए बैरियर बन सकती हैं। इट प्रोवाइड्स अ लीगल फ्रेमवर्क विद इन विच बिजनेस हैज टू फंक्शन। ये आपको रूल्स एंड रेगुलेशन बनाते हैं जिसके अंदर रह के आपको सारे काम करने पड़ते हैं। गवर्नमेंट की कभी भी पॉलिसी बदल जाती है, गवर्नमेंट कभी भी किसी ऑर्गेनाइजेशन को बंद भी कर सकता है, गवर्नमेंट कभी बदल भी सकती है। पुरानी गवर्नमेंट गई, पुरानी पॉलिसीज गई, नई गवर्नमेंट आएगी, नई पॉलिसीज लेकर आएगी, ठीक है ना। इसके अलावा गवर्नमेंट कानून बना सकती है, गवर्नमेंट बिजनेस में इंटरफेयर कर सकती है कि आज आप ये बिजनेस नहीं कर सकते या फिर आपको ये चीज करनी पड़ेगी, तो वो अपने टर्म्स एंड कंडीशंस भी लगा सकते हैं। और खासकर अगर हम बात करें इंडिया पाकिस्तान की या इंडिया चाइना की, तो वहां पर क्या होता है, दो गवर्नमेंट के बीच में टेंशन होती है, नुकसान किसको भरपाई करनी पड़ती है, दुकानदारों को जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं। क्लियर हो रहा है? ओके, इसके अलावा आते हैं आपके पर्सनल बैरियर्स। एनवायरमेंटल बैरियर्स हो गए, अब आते हैं पर्सनल बैरियर्स। पर्सनल बैरियर्स किसी पर्सन से रिलेटेड होते हैं कि क्योंकि बहुत ही कम लोग होते हैं जो रिस्क लेते हैं और एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जाते हैं, वरना मेजोरिटी लोग जो होते हैं वो जॉब की तरफ जाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो पहला जो इसके अंदर बैरियर आता है वो आता है परसेप्चुअल। परसेप्चुअल का मतलब होता है नजरिया, ठीक है। परसेप्शन का मतलब क्या होता है, नजरिया, आप किस चीज को कैसे देख रहे हो। तो क्या लिखा हुआ है, lack of clear vision and misunderstanding of a situation can result in faulty perception. अगर आपको clear नहीं है कि आपको life में क्या करना है या किसी भी situation को आप ढंग से नहीं समझ पाते हो, तो आप उस चीज का गलत meaning मान लोगे और फिर आप उसी हिसाब से काम करोगे। जैसे मान के चलो आपने कोई नया बिजनेस स्टार्ट किया और उसमें आपको नुकसान हो गया पहले कुछ महीनों के अंदर, तो आपको लगेगा सारे बिजनेसेस बेकार है, मुझे करना ही नहीं, मैं तो जॉब में ही ठीक था। लेकिन ऐसा होता नहीं है। स्टार्टिंग में सबको अपनी जेब से पैसा लगाना पड़ता है, स्टार्टिंग में सबको थोड़ा बहुत नुकसान झेलना पड़ता है, उससे सीखकर उसको आगे बढ़ना होता है। तो आपका नजरिया किस तरीके का, वो भी एक बैरियर बन सकता है। क्लियर हो गया? ओके, उसके बाद जो लास्ट आपका बैरियर आता है वो है मोटिवेशनल। मोटिवेशनल का मतलब होता है कि कोई भी जब आप काम करते हो ना बच्चों, वो मोटिवेशन के साथ आप काम करते हो। नई नई क्लास में आते हो, आज से तो हम पूरा साल पढ़ाई करेंगे, पूरा साल मेहनत करेंगे, टॉप मारेंगे, लेकिन एक महीने बाद क्या होता है, फिर से वही नॉर्मल। एग्जाम से 10 दिन पहले बुक उठाएंगे, एग्जाम से 2 दिन पहले ढंग से पढ़ाई करेंगे और पास हो जाएंगे, तो मोटिवेशन आप लूज कर देते हो। तो वैसे एंटरप्रेन्योर्स के लिए भी क्या है, अगर उनका मोटिवेशन लूज हो गया तो एक बिजनेस में, एंटरप्रेन्योरशिप में उनका बैरियर बहुत क्रिएट हो सकता है। क्लियर हो गया? क्योंकि स्टार्टिंग में तो सब लोग बहुत जोश से काम चालू करते हैं, लेकिन जैसे जोश ठंडा होता है, जैसे आपका मोटिवेशन लेवल कम होता है, उनके प्लान ऐसे के तैसे हो जाते हैं और नुकसान झेलना पड़ सकता है। तो मोटिवेशन भी बहुत बड़ा फैक्टर रोल प्ले कर सकता है। क्लियर हो गया? ओके, अब बच्चों स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक, ठीक है। बैरियर्स हमारे हो गए, लास्ट टॉपिक चालू करते हैं। लास्ट टॉपिक है हमारा बिजनेस इंक्यूबेशन। क्या लिखा हुआ बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक है बिजनेस इंक्यूबेशन। अब इंक्यूबेशन, बिजनेस इंक्यूबेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक टर्म समझाना चाहता हूं, वो है इंक्यूबेटर्स, बिजनेस इंक्यूबेटर्स। देखो बच्चों, जैसे एक छोटा बच्चा होता है, उसको चलाने के लिए, उसको ठीक रखने के लिए हम पहले उसको एक मशीन में रखते हैं। मशीन मतलब जब बच्चा पैदा होता है तो उसको एक मशीन में रखा जाता है जिससे उसकी हेल्थ नॉर्मल हो जाए। उसके बाद उसको तब तक रखा जाता है तब तक वो स्टेबल ना हो जाए, तब उसकी हेल्थ अच्छी ना हो जाए, उस मशीन को बोला जाता है इंक्यूबेटर, ठीक है। गूगल पे सर्च करोगे, यूट्यूब पे सर्च करोगे, आपको मिल जाएगा। वैसे जब एक नया बिजनेस स्टार्ट करते हैं ना, तो वो भी छोटे बच्चे की तरह होता है जिसकी जान को खतरा होता है, क्योंकि वो उतना छोटा होता है। यहाँ पे बिजनेस की जान का मतलब होता है नुकसान या फिर डूबने का खतरा। तो यहाँ पर क्या होता है, बिजनेस इंक्यूबेटर्स होते हैं। वहां पर मशीन होती है बच्चे के केस में, और बिजनेस के केस में यहाँ पर लोग होते हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, जो एस इंक्यूबेटर उन छोटे छोटे बिजनेसेस को संभालती हैं। वो तब तक संभालते हैं जब तक बिजनेस जो है वो अपने कदमों पर चलना स्टार्ट ना कर दे, जब तक वो भागना स्टार्ट ना कर दे, पैसा कमाना स्टार्ट ना कर दे। तो इंक्यूबेटर्स क्या होते हैं, इंक्यूबेटर्स आर दोज ऑर्गेनाइजेशन, आई रिपीट, इन बिजनेस इंक्यूबेटर्स आर दोज ऑर्गेनाइजेशन जो क्या करते हैं, एक्सेलरेट द ग्रोथ एंड सक्सेस ऑफ एंटरप्रेन्योरियल कंपनीज।
मतलब उनकी ग्रोथ को एक्सेलरेट करते हैं, बढ़ाते हैं और उनकी सक्सेस को आगे बढ़ाने में उनकी मदद करते हैं। कैसे मदद करते हैं? उनको सपोर्ट सर्विसेज देते हैं, उनको वो सारी रिसोर्सेज देते हैं जो उनको जरूरत है। जैसे मान के चलो मेरा छोटा सा बिजनेस है, मैं बिजनेस इंक्यूबेटर्स के पास गया, तो वो मेरे को वो सारी चीजें प्रोवाइड करेंगे जिससे मेरा बिजनेस आगे बढ़ सकता है, चाहे वो एक्सपर्ट एडवाइस हो, चाहे वो पैसे हो, चाहे वो मैन पावर हो, चाहे वो कुछ भी हो, वो सारी चीजें मुझे प्रोवाइड करेंगे जिससे मेरा जो ग्रोथ है, जो मेरी सक्सेस है, वो एक्सेलेरेट तेज होना स्टार्ट हो जाए। क्या लिखा हुआ है? फिजिकल स्पेस मुझे वो जगह भी प्रोवाइड कर सकते हैं, पैसा भी दे सकते हैं, कोचिंग भी दे सकते हैं, कुछ कॉमन सर्विस भी दे सकते हैं और कनेक्शन भी बनवा सकते हैं, जान पहचान भी करवा सकते हैं, उससे भी काम हो जाएगा। क्लियर हो गया? तो व्हाट डू यू मीन बाय बिजनेस इंक्यूबेशन? दीज आर द प्रोग्राम्स। बिजनेस इंक्यूबेटर्स ये लोग होते हैं और बिजनेस इंक्यूबेशन एक प्रोग्राम होता है जो किसके लिए बनाया जाता है? सपोर्ट करने के लिए बनाया जाता है। किसके? एंटरप्रेन्योरियल डेवलपमेंट के लिए, जिससे वो आपको सपोर्ट सर्विसेज देंगे जिससे आप अपने आप को बढ़ा सको। क्लियर हो गया व्हाट इज बिजनेस इंक्यूबेशन एंड व्हाट आर बिजनेस इंक्यूबेटर्स? ओके, आगे क्या लिखा हुआ है? हाउ डू इंक्यूबेटर्स हेल्प स्टार्टअप्स गेट फंडिंग? वो किस तरीके से उनको पैसा दिलवाने में मदद करते हैं? पहला, वो कनेक्शन बिठवाते हैं, मतलब ये जान पहचान करवाते हैं। देखो, मेरी जैसे मैं हूँ, मैं इंक्यूबेटर हूँ, तो मेरे पास एक बिजनेस आया और मेरी मार्केट में जान पहचान है, तो मैं दो लोगों को मिलवाऊंगा कि देखो भाई इनका बिजनेस बहुत अच्छा है, इनमें पैसा लगाओ। तो वो देखते हैं, परखते हैं, उनको ठीक लगता है तो वो पैसा लगा देते हैं। ठीक है, वर्किंग विद कंपनीज, वो कैपिटल प्रेजेंटेशन करते हैं और बताते हैं कि देखो हम ये चीज करने वाले हैं, आप हमारे बिजनेस में पैसा लगाइए। ठीक है, लोन्स के लिए अप्लाई करने में मदद करते हैं। इसके अलावा गवर्नमेंट एजेंसी से मदद लेने में मदद करवाते हैं, क्योंकि इनको सारी जानकारी होती है कब कहाँ कौन सी स्कीम लॉन्च हो रही है, तो वो सारी स्कीम का फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। क्लियर हो गया? ओके, और बहुत सारी कुछ स्कीम्स दे रखी हैं जो गवर्नमेंट ने बनाई हैं एज इंक्यूबेटर्स अपने एंटरप्रेन्योर्स को प्रमोट करने के लिए। क्या क्या लिखा हुआ है? स्कीम्स इंप्लीमेंटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई, सिडबी ने माइक्रो फाइनेंस स्कीम बनाया है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ विद फॉरेन कंट्रीज। बॉडी बच्चों, यहाँ पर जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग का मतलब होता है एक एग्रीमेंट होता है कि हमारे यहाँ लोग आपके आएंगे तो आप मदद करना, आपके लोग हमारे आएंगे तो मदद करना, हम मदद करेंगे। ये होती है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, कि हम एक दूसरे को समझेंगे। ठीक है, इसके अलावा एमएसएमई नेशनल अवार्ड स्कीम, एनएसआईसी स्कीम, सिडबी स्कीम, टैक्स हॉलीडे स्कीम, कंपोजिट लोन स्कीम, इंडस्ट्रियल एस्टेट स्कीम। तो ये कुछ स्कीम्स हैं, ये कुछ सारे इंक्यूबेटिंग स्कीम हैं जो हमारे एंटरप्रेन्योर्स को मदद करने के लिए बनाई गई हैं। क्लियर हो गया? फैक्टरिंग सर्विसेज हो गया, स्मॉल इंडस्ट्री कल्चरल प्रोग्राम, क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम, नेशनल इक्विटी फंड स्कीम। तो ये कुछ स्कीम्स हैं और भी कुछ स्कीम्स ये रखी हैं। सेक्टर स्पेसिफिक मतलब पर्टिकुलर एरिया, पर्टिकुलर इंडस्ट्री से रिलेटेड, जैसे खाद्य विलेज इंडस्ट्रीज हो गया, कॉयर बोर्ड हो गया, प्रायोरिटी सेक्टर, एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी डेवलपमेंट, फिशरी, एग्रीकल्चरल, टी बोर्ड, टूरिज्म, साइंटिफिक रिसर्च। तो ये स्पेसिफिक सेक्टर वाइज भी स्कीम बनाई हुई है। ठीक है, और कुछ इंस्टीट्यूट वगैरह भी बनाए हुए हैं जो एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम में हेल्प करते हैं। जैसे कौन है हमारे? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्मॉल बिजनेस डेवलपमेंट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एमएसएमई। तो ये बहुत सारे नाम है, आप रीड कर लेना। एग्जाम में एक आध नंबर में आ सकता है कि इज गिव एन एग्जाम्पल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ सेक्टर स्पेसिफिक प्रोग्राम। तो ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं आपके एग्जाम में, तो आपको अच्छे से पढ़ लेने हैं। क्लियर हो गया? ओके, तो चलिए बच्चों, इसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर 4 एंटरप्रेन्योरशिप एज इनोवेशन एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग होता है कंप्लीट। एक बार मैं आपको फटाफट से दिखा देता हूं। ठीक है, मैं पेज नंबर स्टार्टिंग में जाते हैं, जिस पेज से हमने स्टार्ट किया था, ये था हमारा पहला पेज। देखो बच्चों, ये सारे टॉपिक्स हमने कर लिए हैं, दिख रहे हैं ना सारे टॉपिक्स? देखो, सारे पेजेस हमने एक एक करके हर एक टॉपिक को डिस्कस किया। काफी छोटा चैप्टर था, ये 5 क्लासेस के अंदर ही हो गया। ठीक है, क्लियर? ओके बच्चों, चैप्टर नंबर 5 है ना, काफी लेंथी चैप्टर है, मजा आएगा इसको पढ़ने में। तो चलिए बच्चों, इसको करते हैं जूम और आज की क्लास को करते हैं एंड। तो चलिए बच्चों, आपसे मुलाकात करेंगे अगली क्लास के अंदर, तब तक अपना बहुत ख्याल रखना, पढ़ते रहना और रिवाइज करके रखना। नेक्स्ट क्लास के अंदर अपना चैप्टर नंबर 5 हम स्टार्ट करने वाले। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।